फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज कोमल्स किचन में बनने वाली है बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सी आइसक्रीम, वो भी घर पे, और वो भी सिर्फ एक दूध से। अब आप सोचेंगे दूध से इतनी सॉफ्ट आइसक्रीम कैसे बनेगी, उसी का राज जानने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, और बहुत अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करना तो बनता ही है। कि मैंने ये लिया है आधा लीटर दूध, ये फुल फैट दूध है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, अमूल का कोई भी आप जो आपके यहाँ आता है उसे हमें लेना है। उसे मैंने गंजी में डाल के वो बनने के लिए रख दिया है। इसमें से मैंने 4 चम्मच दूध को अलग कर दिया उबलने से पहले। ये देखिए 5 मिनट मैंने मीडियम आंच पे रखा और दूध को अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 4 चम्मच जो दूध ठंडा निकाला था उसमें 2 चम्मच वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड मैंने इसे अच्छे से इसमें घोल दिया है। अब हमें उसमें ऐड कर देना है। डालने के बाद हमें कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि कस्टर्ड डालने के बाद नीचे गंजी में जम ना जाए। कंटिन्यू चलाने से ये थिक होना शुरू हो जाता है और आप देख रहे हैं काफ़ी गाढ़ा होना ये शुरू हो गया है। कंटिन्यू से चलाते रहेंगे तो ये थिक भी हो जाएगा और नीचे बैठेगा भी नहीं। जैसे ही थिक होने लगेगा हमें आंच को मीडियम कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और गाढ़ा भी होना हमारा शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। मीठा तो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 6 चम्मच शक्कर। शक्कर आप अपनी पसंद से डालिएगा, कम ज़्यादा जितना आप पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आपको 6 चम्मच बताया, आपने भी 6 चम्मच डाला तो आपकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मीठी हो गई, तो इसलिए शक्कर हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हम डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दूध में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मिला के। ये मैंने 2 चम्मच दूध लिया और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे अच्छे से चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से आपस में मिक्स नहीं हो जाता है। शक्कर, कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड सारी चीज़ें दूध में अच्छे से घुल नहीं जाती हैं, तभी हमारी वेनिला आइसक्रीम अच्छी बनती है और क्रिस्टल नहीं आते हैं। नहीं तो कई बार हमारी आइसक्रीम में बर्फ़ जम जाती है और खाते समय पूरे मुंह में क्रिस्टल आते हैं, ऐसे लगता है कि हम बर्फ़ की कोई चीज़ खा रहे हैं। यदि इस प्रोसीजर से आप वेनिला आइसक्रीम जमाएंगे तो आपकी भी वेनिला आइसक्रीम उतनी ही सॉफ्ट और स्पंजी सी बनेगी जैसे मार्केट में मिलती है, मुँह में जाते ही घुल जाने वाली। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर तक हमें ठंडा करना है। 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे रूम टेम्परेचर के लिए रख देना है। देखिए हमारी वेनिला आइसक्रीम रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। मैं ये 4 चम्मच इसमें क्रीम ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। होममेड क्रीम है जो दूध से हम घर पे मलाई निकालते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने से हमारी वेनिला आइसक्रीम काफ़ी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनती है। इसलिए इसे क्रीम डालने से काफ़ी फायदे हैं, क्योंकि हमारी आइसक्रीम यदि स्मूदी नहीं बनेगी तो उसमें आइस के क्रिस्टल आएंगे। आइस के क्रिस्टल आने की वजह से हमें खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, तो क्रीम डालेंगे तो आपके काफ़ी फायदे हैं।
हमने इसे मिक्सी में ग्राइंड किया और काफी स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है। अब हमें इसे मोल्ड में ट्रांसफर कर देना है और फ्रिज में हमें सेट करने के लिए रख देना है। मैंने मोल्ड लिया है जिसमें हमें वेनिला आइसक्रीम को सेट करना है। आपके पास जो भी बर्तन है उसमें आप सेट कर सकते हैं और सारी वेनिला आइसक्रीम को हमें इसमें ट्रांसफर कर देना है। मैंने सारी आइसक्रीम को इसमें ट्रांसफर कर दिया है। मैंने फॉइल पेपर लिया है, इसे अच्छे से हमें इसमें सेट कर देना है ताकि हमारी आइसक्रीम में अंदर क्रिस्टल ना आए। यदि हम खुले में आइसक्रीम रखते हैं तो लहसुन प्याज की खुशबू भी आ जाती है और हम इसके अंदर बर्फ भी जम जाती है तो खाने में बार बार बर्फ जैसा फ्लेवर आता है। इसलिए हमें इसे रैप करके सेट करने से काफी अच्छी आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हो जाती है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। हमने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखा और ये आइसक्रीम सेट होके तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी आइसक्रीम हमारे घर पे बनके तैयार हो गई है। तो हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी आइसक्रीम खाने का मन हो तो बनाइए घर पे सिर्फ दूध से इतनी सॉफ्ट सी आइसक्रीम कि आप उंगलियां चाटते रह जाने, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली ये आइसक्रीम अपने घर पे ट्राई कीजिए। अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें।